हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूँ पेपर अगर चैनल में। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया वो था एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। उसका पहला स्टेंजा मैंने आपको करवा दिया, आज मैं आपको दूसरा स्टेंजा करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा, यूजफुल उपयोगी, टॉयल हार्डवर्क। हार्डवर्क को क्या कहते हैं? टॉयल कहते हैं। तो महत्वाकांक्षाओं को उनका किनका, गरीब लोगों का जो है, गरीबों का जो है वो उपयोगी काम है, उसका जो वो हार्डवर्क करते हैं उसका मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है। देयर होमली जॉयज, उनके घरेलू आनंद, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनकी जो डेस्टिनी मीन्स भाग्य, भाग्य को उनका जो है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियोर हियर विद अ डिसडेनफुल स्माइल। ग्रैंडियर होता है शान शोभा, तो शान शोभा ना ही शान और शोभा से, हियर विद अ डिसडेनफुल स्माइल। उनको डिसडेनफुल का मीन्स है तिरस्कार, उनको तिरस्कार भरी नजरों से नहीं देखना चाहिए। अमीर व्यक्ति के पास जो शान शोभा होती है उसके कारण गरीब व्यक्ति को वो जो है तिरस्कार की भावना से देखता है। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। ठीक है। गरीबों की यही छोटी और साधारण जिंदगी होती है। ठीक है, रेफरेंस पढ़ेंगे। दीज लाइन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एलुजी रिटन इन आ कंट्री चर्च यार्ड। ये जो लाइन्स हैं वो ली गई हैं कहाँ से? एलुजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। वाई ग्रे, थॉमस ग्रे, आर वेरी सिग्निफिसेंट, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। द पोएट हैज बीन इलोगिजिंग द सिंपल लाइफ और ऑफ द विलेजर्स। इलोगिजिंग का मीन्स होता है प्रशंसा करना। तो जो पोएट है वो प्रशंसा करता है साधारण जीवन की, किसके? द विलेजर्स, गांव वालों की। एंड रिजेक्ट्स, और अस्वीकार करता है द आर्टिफिशियल, दिखावे की जिंदगी ऑफ द, किसकी? एरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ लंदन सोसाइटी। एरिस्टोक्रेटिक मीन्स भव्य शानदार जो सोसाइटी है, लंदन सोसाइटी यानी कि ऊंचे ऊंचे लोग जो सोसाइटी में रहते हैं उनकी जिंदगी को अस्वीकार करता है। इन दोज डेज, उन दिनों, क्लब्स एंड कॉफी हाउसेस वर द सेंटर्स ऑफ द फैशनेबल यंग पीपल। जो फैशनेबल यंग पीपल्स थे उनका अड्डा हुआ करती थी, सेंटर्स हुआ करते थे कॉफी और क्लब्स। जो उस टाइम पे नवयुवक थे, फैशनेबल बॉयज थे, वो कॉफी और क्लब्स में जाया करते थे, वही उनका अड्डा हुआ करते थे। द पोएट प्रेजिस, पोएट प्रशंसा करता है द विलेजर्स, गांव वालों की, फॉर देयर ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ, उनके बड़े फिजिकल शारीरिक स्ट्रेंथ शक्ति की, एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम वाली जिंदगी की। दे हैड द पावर, उनके पास यह शक्ति थी, टू रीप द होल फील्ड अलोन, पूरे फील्ड को अकेले जोतने की, का फसल काटने की। ठीक है। वेंट टू देयर फील्ड्स, अपने फील्ड्स पर जाते थे, खेत में जाते थे,
इन द मॉर्निंग सुबह के लिए दे कुड कट डाउन द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री वह वे सबसे जो शक्तिशाली पेड़ था उसको भी काट देते थे एंड कुड प्लो इवन द हार्डेस्ट ग्राउंड और सबसे जो हार्डेस्ट ग्राउंड है सबसे जुतीला सबसे जो हार्ड है ग्राउंड है उसको भी जोत देते थे। ठीक है एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। माने इस स्टेंजा में जो पोएट है वो गरीबों की जिंदगी और अमीरों की जिंदगी का के बारे में अंतर स्पष्ट करता है कि अमीर सिर्फ अपनी शान के वजह से जीते हैं लेकिन गरीब व्यक्ति जो होता है गरीब इंसान गांव वाले जो होते हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं खेतों में हल चलाते हैं खेत जोतते हैं कटाई करते हैं। ठीक है बहुत सारे कठिन परिश्रम करते हैं उनकी जिंदगी को जिंदगी मानता है और जो ऐशो आराम वाली जिंदगी जीते हैं काम नहीं करते हैं जो शहर में रह के उनकी जिंदगी को नकारता है। ठीक है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट वॉन्ट्स द रिच एंड फैशनेबल। इस स्टैंजा में जो कवि है वो वॉन्स चेतावनी देता है द रिच सभी अमीर व्यक्तियों को एंड फैशनेबल क्लास ऑफ सोसाइटी और फैशनेबल क्लास जो है सोसाइटी की दैट कि दे शुड नॉट मॉक उनको उपहास नहीं करना चाहिए एंड लॉफ एट सिंपल हार्ड और नहीं हंसना चाहिए एट सिंपल हार्ड वर्किंग लाइफ ऑफ दीज पीपल जो इनकी साधारण परिश्रमी लाइफ चल रही है जीवन जी रहे हैं गरीब लोग इन लोगों की जिंदगी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। द रिच क्लास ऑफ द सिटी आर फुल ऑफ नंबरलेस यानी कि जो रिच लोग हैं उनकी सिटी नंबरलेस विशेष यानी कि उनकी जो विशेष हैं जो कामनाएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती मतलब वो कल्पना ही करते रहते हैं कामनाएं कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। डिजायर्स इच्छाएं एंड एम्बिशंस महत्वाकांक्षाएं वाइल द पुअर जबकि गरीब लोग जो होते हैं विलेजर्स होते हैं आर सो सेल्फ सेटिस्फाइड वे सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं आत्म संतुष्ट होते हैं। ठीक है वो ये कहना चाह रहा है कि गरीब लोग जो हैं वो अपने आप काम करते हैं मेहनत का काम करते हैं रोज काम करते हैं और जो अमीर लोग हैं वो तरह तरीका की इच्छाओं और कल्पनाएं करते हैं महत्वाकांक्षाएं करते हैं कि आज मुझे ये प्राप्त हो जाए आज मुझे ये प्राप्त हो जाए। ठीक है दे फील हैप्पी एंड प्लीज्ड विद लिटिल थिंग्स यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वे लोग फील हैप्पी खुशी महसूस करते हैं आनंद महसूस करते हैं विद लिटिल थिंग्स छोटी छोटी चीज़ों से ही आनंद महसूस करते हैं एंड देयर वॉन्ट्स आर आल्सो वेरी लिमिटेड और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी वॉन्ट्स जरूरतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं लिमिटेड हैं बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इटर्नल सेटिस्फैक्शन लेकिन इस आंतरिक सेटिस्फैक्शन संतुष्टि के बावजूद भी देयर फेट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज यानी कि उनका जो भविष्य है फुल ऑफ डिफिकल्टीज यानी कि उनका जो भविष्य है वो डिफिकल्टीज से परेशानियों से भरा हुआ है एंड दे हैव नो फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ और उनको ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं से सामना करना पड़ता है अपनी जिंदगी में। दे आर नेवर ईजी एंड कंफर्टेबल वो कभी उन्हें कभी भी आराम प्राप्त नहीं होता है। सो द पीपल ऑफ सिटी जो शहर के लोग होते हैं इसीलिए शुड नॉट लाफ एट देम उनको उन लोगों पर नहीं हंसना चाहिए। मोर सो बिकॉज इसलिए भी क्योंकि द वर्क ऑफ द विलेजर्स इज वेरी यूजफुल फॉर द
होल ह्यूमैनिटी, यानी कि जो गांव वालों का काम है वो संपूर्ण ह्यूमैनिटी मीन्स मानव जाति के लिए लाभदायक है। द पीपल फुल ऑफ आर्टिफिशियली एंड ग्रैंडियोर हेट दीज सिंपल पीपल फॉर देयर बैकवर्डनेस एंड इलिटरेसी। द पीपल लोग जो फुल ऑफ आर्टिफिशियली यानी कि दिखावे की जिंदगी में रहते हैं एंड ग्रैंडियोर, और क्या करते हैं, शान दिखाते हैं, हेट नफरत करते हैं दीज सिंपल पीपल इन साधारण लोगों से फॉर देयर बैकवर्डनेस इनके पिछड़ेपन के कारण और इलिटरेसी इनकी अनपढ़ होने के कारण कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और नीची जाति के इन लोगों को मानते हैं ये पढ़े लिखे लोग। इट इज वैट, यह गलत होता है कि इफ समवन टेल्स देम द शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ दीज विलेजर्स, कि अगर कोई बताता है छोटी और साधारण सी स्टोरी इन लाइफ इन विलेजर्स की, इन गांव वालों की, दे हेट देम, वे उनको भी नफरत करते हैं, उनका उपहास करते हैं एंड इंसल्ट देम, और उनका अपमान करते हैं। ठीक है, कमेंट्स देख लेते हैं, लास्ट में कमेंट्स हैं। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट पॉइंट्स आउट, पोएट यह बताना चाहता है कि द बेसिक डिफरेंस, जो नॉर्मली बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द लाइफ ऑफ सिटी एंड द विलेज, शहर के और गांव के लोगों में के जीवन जीने में जो साधारण डिफरेंस है वो यह है कि ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 18th सेंचुरी, ही उसने यानी कि कवि ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये दिखाया है इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में शोज इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट दिखाया है इन द लाइफ ऑफ द पुअर विलेजर्स, गरीब लोगों की जीवन में इंटरेस्ट दिखाया है। एंड और परहैप्स दिस गेव अ हिंट टू वर्ड्सवर्थ, और इसी से एक हिंट मिला है किसको, वर्ड्सवर्थ को, टू प्रपोंडिंग हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी को छापने के लिए, अपनी थ्योरी को सबके सामने लाने के लिए। ऑफ पोइट्री, पोइट्री में द पोएटिक डिक्शन, जो पोइट्री की जो शब्दकोश हैं, शब्द हैं इनसे, दीज लाइन्स आर पॉपुलरली कोटेड एज अ एलोजी टू द विलेज लाइफ, ये लाइन्स जो हैं पॉपुलरिटी मुख्य रूप से बताती हैं, क्वेटेड करती हैं एज अ एलुजी इमोशन द विलेज ऑफ द विलेज लाइफ, विलेज लाइफ यानी कि गांव के जो दुख होते हैं, गांव का जो जीवन होता है उसको ये बताते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो आज हमने दूसरा स्टेंजा कर लिया इस चैप्टर का, नेक्स्ट क्लास में इसका तीसरा स्टेंजा हम लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथ में पढ़ने वाले जो दोस्त हैं उनको ज़रूर दिखाएं ये वाली वीडियो, उनके साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।